संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी, साथ संगत जी मानव एकता दिवस के बारे में भी सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने 22 अप्रैल 2018 को USA में सत्संग किया, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आज हम बाबा गुरबचन सिंह जी के उपकारों को याद कर रहे हैं। यह उनकी दिव्य दृष्टि व त्याग ही था जिसने परमात्मा की जानकारी और मानवता के मिशन को न केवल भारत बल्कि विश्व भर में भी फैलाया। उन्होंने अपने हर काम से पहले मानवता को ही पहल दी। फिर आगे सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने कहा कि जब मिशन के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और कार द्वारा यात्राएं की गई, जबकि बहुत से देशों में खाने पीने की व्यवस्था और विश्राम के लिए उचित स्थान भी उपलब्ध नहीं होते थे, बाबा गुरबचन सिंह जी के अभियान में निरंकारी परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने कई बार तो कितने दिन सिर्फ जैम ब्रेड या बटर ब्रेड ही खाया। ये सब कठिनाइयाँ सिर्फ इसलिए उठाई कि इस परम ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में फैलाया जा सके। बाबा हरदेव सिंह जी से भी आपने यही सुना कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी भारत के विभाजन के बाद दिल्ली आए और जब वो सरोवर वाली ज़मीन ले गई, तब वह बंजर भूमि थी जहाँ कोई पैदावार नहीं होती थी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बंजर भूमि में मेहनत करके उसे एक उपजाऊ भूमि बनाया और वहाँ निरंकारी सरोवर विशाल रूप हमारे सामने प्रकट किया। वहाँ अनाज और सब्जियों की भरपूर पैदावार हुई। वह ज़मीन इतनी उपजाऊ हो गई कि भारतीय कृषि शोध संस्थान पूसा दिल्ली द्वारा सरोवर की भूमि पर फसल उगाने के लिए कितने अवार्ड्स मिले। यही नहीं, उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया बल्कि उन्होंने प्यार से रहित बंजर इंसानी दिलों को भी मानवता के भावों से भरपूर किया। आगे चाचा प्रताप सिंह जी ने भी बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ मानवता के लिए अपना बलिदान दिया। उनके जीवन से भी सभी महापुरुष अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। उनका सारा जीवन ही सेवा का पुंज था। कोई भी सेवा का हुक्म आया तो उस सेवा को निभाने में वो अपना पूरी जी जान से सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि इकट्ठे तो अक्सर लोग हो ही जाते हैं, चाहे कोई सिनेमा घर हो या कोई मेला हो, लेकिन कई बार किसी स्थान पर गड़बड़ करने वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वह देशद्रोही कारनामे कर गुजरते हैं, परंतु इसे हम समीप आना या एकत्व नहीं कह सकते, जबकि वे कहेंगे कि हम तो दिल में मानवता को बसाने की बात कर रहे हैं। जब हम यह जान लेंगे कि हम एक पिता की संतान है, तब इंसान को इंसान के करीब लाया जा सकेगा। यह एकता सिर्फ इस एक प्रभु की जानकारी होने के साथ ही आती है। बाबा जी ने मुश्किल हालातों में एकजुट होकर एकत्व के साथ हमें जीना सिखाया। निरंकार से यही अरदास है कि उसी विश्वास, उसी आस्था और मिलवर्तन के साथ हम सब अपनी ज़िंदगी में अच्छी सोच रखते हुए सब कुछ इस निरंकार पर छोड़कर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। फिर आगे माता जी ने कहा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राज माता जी भी बर्मिंघम में जम गए
उन्हें वहाँ जाने का मौका मिला और उनके साथ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को भी कई बार जाने का मौका मिला। कई बार तो साल में एक या दो तीन बार भी गए, एक साल में दो या तीन बार भी गए। लेकिन सतगुरु हम सब शहनशाह जी, जगत माता जी और परम ममता में निरंकारी राज माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। परम ममतामय निरंकारी राज माता जी ने ना केवल बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ बल्कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर मिशन के प्रचार को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। भक्ति की सही मिसाल कायम की। जैसा भी हुक्म आया माता जी, राज माता जी वैसे ही उनके साथ चलते रहे। जगत माता जी ने भी शांत रहकर हमें सेवा करना सिखाया। वे खुद अक्सर सेवादार संतों के कपड़े धो देते, प्रेस कर देते और उनके लिए खाना भी बना देते। बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन से भी सभी वाकिफ हैं। उनका सारा जीवन ही केवल और केवल मानवता के लिए ही था। उन्होंने हर काम शुद्ध हृदय से करने की प्रेरणा दी और यही सिखाया, दूसरों से कभी भी अपेक्षा मत रखो, कभी तभी आप कभी भी निराश नहीं होंगे। उन्होंने हर परिस्थिति में पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए ही कहा। उन्होंने यही कहा कि हमने निरंकार पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना है और हमेशा तू और तेरा का भाव हो, ना कि मैं और मेरा का। फिर उन्होंने आगे कहा कि एक इंसान टी शर्ट पहने हुए था जिस पर लिखा था कैंसर। आप एक गलत सिपाही से लड़ सकते हो, मेरा विश्वास तुमसे बहुत अधिक मजबूत है। वो तो एक बीमारी के लिए लिखा था, परंतु ज्ञान लेने के बाद इस निरंकार प्रभु परमात्मा रूपी ये जो हमें सुरक्षा कवच मिला है, क्या हमारा विश्वास भी इतना मजबूत है? क्या ज्ञान लेने के बाद भी नफरत, ईर्ष्या वाले वायरस हमारे अंदर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो हमें भी उसी प्रकार अपना विश्वास और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार बाबा जी ने विश्वास और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हर पल हमें जीना सिखाया। निरंकार से यही अरदास है कि एक एक कुर्सिक, एक एक बच्चा उसी विश्वास के साथ आगे से आगे जीवन में बढ़ता चला जाए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 36 वर्ष मानवता की अथक सेवा की और यही कहा कि मुझे तो बड़ों ने कंधों पर उठाया हुआ था, इसलिए दूर तक देख सका। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय हमेशा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को ही दिया। भगत सतगुरु से सीख लेता है और दिल से यही कहता है कि जो कुछ किया सो हरि किया। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, ज्ञान पाके भक्ति का जो नित आनंद उठाता है, कहे हरदेव उसी का जीवन सफल सदा कहलाता है। उसी का जीवन सफल हो जाता है जो ज्ञान को लेकर फिर भक्ति का आनंद उठाता है, सतगुरु के कहे अनुसार सेवा सिमरन और सत्संग करता चला जाता है। सत्संगत जी, सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना और आप जी के चरणों में अंतिम सांस तक हमारी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभ जाए।
सारे सुख दुनिया दे बादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। सच्चे पातशाह आप जी का जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना ही कम है। सतगुरु माता जी लॉकडाउन में भी आप इतनी रहमतें बरसा रहे हैं, हमें हमेशा सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग के द्वारा हम सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। सच्चे पातशाह आप बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, आपके जितने भी गुण गाए जाएं उतने ही कम हैं। हमारी जुबा बहुत छोटी है, आपके गुणों का कोई भी अंत नहीं, ना जमया ना कीता होया इस जैसा भगवंत नहीं। सिफत करां कि उस बंदे दी जो सिफतां तो बाला है, ऐ सिफतां दा मालिक साईं बेहद सिफतां वाला है। सतगुरु दे चरणी जिसका हरदम लगा ध्यान रहे, कहे अवतार उस जन अंदर निरंकार भगवान रहे। सत्संगत जी सतगुरु माता जी मेहर करना बख्शिश करना, इसी तरह आप जी के गुण गाते रहें, आप जी के संतों महापुरुषों का दर्शन दीदार करते रहें और इसी तरह मेहर भरा हाथ रखना, इसी तरह जोड़ के रखना। सतगुरु माता जी जो भी आप जी कर रहे हो सब ठीक है, तेरा भाणा मीठा लागे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।